हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल रॉयज इंग्लिश कॉर्नर। टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट राइटिंग नोटिस, हाउ टू राइट नोटिस। दिस इज शॉर्ट कॉम्पोजिशंस एंड कैरिंग 4 marks। विद इन 50 words यू हैव टू राइट ए नोटिस। So notices are various types. I am going to explain everything in details, the format, types of notices, how to write notice, what are the important features, what are the important point we should remember while writing a notice, etc., etc. And at last, I am going to discuss some sample notice for you to understand it better. Okay, so before we start, once again I request all of you to subscribe my channel and share it among your friends. And if you have any queries, please comments in the comment box so that I can answer you. Okay, thank you. चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। How to write notice? What is notice writing? Notice writing क्या है? A notice is a formal means of communication. The purpose of a notice is to announce or display information to a particular group of people. Notice क्या है? एक formal means of communication है, संदेश का आदान प्रदान करने का एक जरिया है। The purpose of a notice is to announce or display information to a particular group of people. और इस नोटिस लिखने का मकसद क्या है? तो जो मकसद है वो है कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को कोई अनाउंसमेंट करना, कोई उसके लिए कुछ घोषणा करना, या फिर कोई डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह को लोगों के सामने डिस्प्ले करना, प्रदर्शित करना। कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट के बारे में हो सकता है, कोई प्रोग्राम के बारे में हो सकता है। तो कुछ ना कुछ जो है वो हम दूसरों को डिस्प्ले करना चाहते हैं, आइदर इन डिस्प्ले और अनाउंस समथिंग अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, न्यू इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, हियर इज अ फॉर्मेट, यू शुड रिमेम्बर दैट फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मेट कैरिंग जस्ट 1 marks एंड यू वट एवर यू राइट इन द नोटिस, राइट इन ए प्रॉपर फॉर्मेट। ओके, so what is the format you see here? Format, this is the line, that is name of the institute and organizations issuing the notice in block letters. Block letters में, capital letters में यहाँ पर institute का नाम या club का नाम जिसके banner में notice हम लिख रहे हैं उसको यहाँ capital letter में आपको लिखना है। कहाँ पर? Just middle, एट द टॉप। ठीक है, ठीक उसके नीचे 1 line देखो स्पेस देकर यहाँ पर जो है इधर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है नोटिस। यहाँ पर नोटिस वर्ड को लिखना है कैपिटल में, NOTICE, ये कैपिटल में लिखेंगे जस्ट इसके नीचे। एक स्पेस देकर लेफ्ट साइड में हम लोग आते हैं, यहाँ पर डेट लिखते हैं, जिस दिन का राइटिंग का डेट है, डेट ऑफ राइटिंग, वो यहाँ पर लिखते हैं। फिर एक स्पेस देकर बीच में आते हैं यहाँ पर, दिस इज द प्लेस वेयर वी कैन राइट टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं या टाइटल लिख सकते हैं, ये भी यहाँ पर प्रोमिनेंटली लिखेंगे। राइट कैपिटल लेटर फॉर एवरी वर्ड और यू कैन राइट फुल्ली कैपिटल लेटर्स, सो दैट शुड बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड अमंग द पीपल। इसलिए इसको हम लोग प्रोमिनेंटली लिखते हैं टाइटल।
इसके बाद ये जो व्हाइट बॉक्स आप एक देख रहे हो, दिस इज द बॉडी ऑफ द मैसेज, मैसेज बॉक्स इसको कहते हैं। तो मैसेज बॉक्स में कंटेंट्स इंक्लूडिंग, आप देख सकते हो यहाँ पर लास्ट राइट साइड में लिखा हुआ है कंटेंट इंक्लूडिंग शेड्यूल डेट टाइम वेन्यू एटसेट्रा। ये बॉडी ऑफ द मैसेज है और इसमें हम लोगों को तीन चार चीजें मेनली आना चाहिए, वो है डेट टाइम प्लेस एटसेट्रा। ये चीजें तो निश्चित रूप से मेंशन करना ही चाहिए। जब नोटिस खत्म हो जाए इस बॉक्स के अंदर में, तब नीचे में ये जो प्लेस देख रहे हैं, यहाँ पर ये सिग्नेचर का प्लेस है। सिग्नेचर के ठीक बाद, सिग्नेचर आप ऑलवेज रनिंग लेटर में लिखेंगे, सिग्नेचर शुड बी रिटन इन रनिंग लेटर। आफ्टर दैट जस्ट बिलो नेम ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस, जो व्यक्ति नोटिस लिख रहा है, जो नोटिस इशू कर रहे हैं, उनका नाम यहाँ पर कैपिटल में लिखेंगे। ध्यान रखना, सबसे ऊपर में रनिंग लेटर में नाम को लिखने से वो सिग्नेचर हो गया, और सिग्नेचर के बाद उसके नीचे में जो कैपिटल लेटर में है नेम, राइटिंग जो कर रहे हैं उसका नाम, तो वो कैपिटल में आप लिखेंगे, ये नेम हो गया। और उसके नीचे में अगर उसका कोई डेजिग्नेशन है, जैसे सेक्रेटरी, उसके बाद एडिटर वगैरह वगैरह, हेड बॉय हेड गर्ल, इस तरह का अगर कोई डेजिग्नेशन उसका है, वो आप सबसे नीचे में मेंशन करेंगे। दिस इज प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ राइटिंग ए नोटिस, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं वैल्यू पॉइंट्स। वैल्यू पॉइंट्स का मतलब नोटिस लिखने के समय में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, ए वेल रिटन नोटिस मस्ट इन्फॉर्म द रीडर्स अबाउट व्हाट व्हेन वेयर हु एंड फाइव डब्ल्यूज, व्हाट व्हेन वेयर हुम एंड हुम। ये फाइव डब्ल्यूज जो है, ये एक अच्छे नोटिस में ये पांचों का आंसर जरूरी है। अब हम लोग डिटेल्स में देखते हैं कि व्हाट इज ऑल दिस फाइव डब्ल्यूज, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। पहला डब्ल्यू है व्हाट इज गोइंग टू हैपन। व्हाट का मतलब क्या हुआ, क्या कुछ होने जा रहा है, ये व्हाट हो गया। फिर आता है वेयर, वेयर का मतलब वेयर विल इट टेक प्लेस, प्लेस का कहाँ पर ये घटना या कंपटीशन जो है वो होने जा रहा है, उसको मेंशन करना है, तो वो वेयर हो गया। व्हेन स्टैंड्स फॉर टाइम, ओके, व्हेन विल इट टेक प्लेस, कब ये होने वाला है, कौन सा टाइम में होने वाला है, वो मेंशन करना। फिफ्थ, फोर्थ में हु कैन अप्लाई और इज एलिजिबल टू एट, हु के लिए आता है कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, हु कैन पार्टिसिपेट, हु आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम और कंपटीशन, ये हु में आ गया। हुम, whom to contact or apply to। अब चार नंबर पांच नंबर में आता है कि किन से हमें कॉन्टैक्ट करना है अगर पार्टिसिपेट करना है तो, और या फिर किसके पास अप्लाई करना है, आवेदन देना है तो किसके पास देना है। ये पांच चीज जो है, what, where, when, who, whom, these are very very necessary and in a well written notice these five W's should be clearly mentioned, ठीक है। Include only the important points। और बात ध्यान रखना है कि notice लिखते समय we should only include the important points, we should leave or we should avoid all those irrelevant points। जितने भी बेकार की बातें हैं उसको हम avoid करेंगे, only main points को focus करेंगे। Add only relevant information which is not included in the question, ठीक है। Add only relevant information, relevant का मतलब इससे संबंधित जो information है उसी को सिर्फ हमको mention करना है, और जो relevant नहीं है उसको हम लोगों को avoid करना है।
शॉर्ट एंड ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। राइटिंग सेक्शन में ग्रामर देखा जाता है, तो हमेशा याद रखना है वी शुड यूज ओनली ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस, जो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो जो उसका मतलब ग्रामेटिकल मार्क्स है करेक्टनेस का वो कट जाएगा आपको। एक्सप्रेशन में ये आता है, एक्सप्रेशन में ग्रामर का और स्पेलिंग्स का मार्क्स को कटा जाता है, तो ग्रामर गलत ना हो करेक्ट हो इसका ध्यान रखना है सेंटेंस में। ड्राफ्ट द नोटिस इन ए बॉक्स, नोटिस को हमेशा एक बॉक्स के अंदर रखना है। वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स वर्ड लिमिट्स है। एंड इट मस्ट अट्रैक्ट रीडर्स अटेंशन एट वंस, इतना सुंदर ढंग से लिखना है, इतना बढ़िया से उसका टाइटल वगैरह लिखना है कि ये रीडर्स का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करे, ठीक है। काइंड्स ऑफ नोटिस, कितने प्रकार के नोटिस होते हैं, तो देखो यहाँ पर कई प्रकार के नोटिस हैं, मीटिंग के लिए, इवेंट के लिए, लॉस्ट एंड फाउंड के लिए, अपील या वार्निंग देने के लिए, चेतावनी देने के लिए, टूर्स के बारे में हो सकता है, कैंप्स के बारे में हो सकता है, एग्जीबिशन के बारे में हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा जो है अलग अलग तरह का नोटिसेस हमारे होते हैं, हम यहाँ पर कुछ सैम्पल नोटिस देखेंगे और इस सैम्पल नोटिस में हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद उसके अनुसार कैसे नोटिस को ड्राफ्ट करना है ये हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन सैम्पल, योर क्लब इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन, ड्राफ्ट ए नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इनवाइटिंग नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन इट, गिव ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, यू आर सुमन और सोनाली सेक्रेटरी म्यूजिक क्लब आकाश पब्लिक स्कूल आगरा। तो क्वेश्चन है कि आपका जो स्कूल का क्लब है वो एक इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, एक नोटिस आपको ड्राफ्ट करना है 50 वर्ड्स में, जिसमें इनवाइट करना है नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट जो है जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनका नाम को हमको इनवाइट करना है। ऑल नेसेसरी डिटेल्स, सारे डिटेल्स, जैसे कि इसके पहले आपको बताया कि 5 W's क्लियर होना चाहिए, नेसेसरी इंफॉर्मेशन सारा आना चाहिए, वो आपको क्लियर मेंशन करना है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो अपने से इन्वेंट करके आपको लिखना है, इसको कहते हैं ऑल नेसेसरी डिटेल्स। आपको लिखना है किस रूप में, तो आपको लिखना है सुमन या सोनाली के नाम से, और इनका डेजिग्नेशन देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में सेक्रेटरी, कहाँ का सेक्रेटरी, म्यूजिक क्लब, कौन सा स्कूल, आकाश पब्लिक स्कूल आगरा। तो ये नोटिस का क्वेश्चन हो गया, इस नोटिस को हम लोगों को लिखना है, लेकिन ये नोटिस का जो आंसर है वो हम लोग पार्ट टू में समझेंगे। तो आप पार्ट वन को पूरा देखिए समझने के लिए, इसके बाद पार्ट टू बिल्कुल मिस नहीं करिए, क्योंकि पार्ट टू में हम कुछ सैम्पल पेपर इसी प्रकार से आपको समझाए हैं विथ क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ठीक है। फिर जाने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कि कोई भी क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिए, ताकि मैं उसका जवाब आपको दूं, और इस पसंद आए तो कम से कम लाइक कीजिए, एक लाइक तो बनता ही है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि बढ़िया से बढ़िया वीडियोस मैं आपके लिए ला सकूं। ओके, गुड बाय देन, वी विल मीट सून, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।